मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के लास्ट 2 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करने थे इसलिए मैंने उसको पहले पार्ट में नहीं लिए, थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें और देखकर दूसरों को ज़रूर सिखाएं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए दूसरों को ज़रूर बताना है। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो बच्चों ये रहा आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ये देखो यहाँ पर क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 39, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एल एम एन ओ पी ई जी रेगुलर पेंटागन, बच्चों रेगुलर पेंटागन है यहाँ पर। ये थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा ये साइड अगर आपको छोटी बड़ी दिखाई दे तो इसको इग्नोर करें, ये रेगुलर पेंटागन मीन्स सभी साइड क्या है इसकी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। इस तरीके से ये मत देखना कि सर ये छोटी है ये रेगुलर कैसे हो गया, आप इसको रेगुलर समझे। ये पेंटागन इसमें गिवन है एल एम एन ओ पी, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस, यानी एंगल है ये, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एंगल ए बी सी और डी और ई, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करना होगा बच्चों आपको, इसको आइए ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप, अब बच्चों सबसे पहले आपको जो पेंटागन है ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, 5 ही एंगल होते हैं और 5 एंगल का सम होता है 540, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, पेंटागन के, तो ये फॉर्मूला होता है n माइनस 2 और इंटू 180। आप इससे किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो यहाँ पर 5 लिखेंगे माइनस 2 और इस तरीके से 180, ठीक है ना। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये तो 18 3 जा कितना होता है 54 होता है, यहाँ 0 है तो ये आ गया बच्चों 540 डिग्री होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए करना शुरू करते हैं। और सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल यहाँ पर ये बी ई एम, ठीक है, बी ई एम या एम बी ई, ये वाले ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ देख रहे हैं ना, एम ये एम है, एम बी ई ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एम बी ई, एम बी ई में, ठीक है, ये वाला एंगल, इसका नाम हम आप इसका नाम दो एम, ठीक है। तीनों एंगल का सम क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल एम प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ई, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, सभी मालूम है, सभी को मालूम है, ठीक है ना। आइए अब हम लेते हैं दूसरा, यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ग्रीन पेन से, यहाँ पर ये देखो ये वाला, ये अब ये एम लिया था ना, अब ये एल बिंदु से लेंगे, यहाँ पर ये एल ए, ठीक है, ये देख रहे हैं ना ग्रीन पेन से कलर से मैं कर रहा हूँ, इसमें शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ट्रायंगल तो नज़र आ ही रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एल ए डी, ये वाला ट्रायंगल एल ए डी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ग्रीन से लिख लेते थे, चलो इन ट्रायंगल एल ए डी, एल ए डी, एल ए डी, ये शायद इससे अच्छा नहीं चलेगा, मैं इसको आपको ब्लैक पेन से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। एल ए डी में यहाँ पर एंगल आ रहे हैं बच्चों, एंगल एल, ठीक है, और एंगल ए और प्लस एंगल डी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी ट्रायंगल है तो इनका भी सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ट्रायंगल यहाँ पर ये एल ले लिया हमने, अब ये डी, ये सॉरी पी पॉइंट मान कर लेंगे, यही वाला, ये रेड पेन तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, ये ट्रायंगल तो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ये वाली पी ई सी, पी ई सी, ठीक है, इन ट्रायंगल में तो एंगल पी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल सी, ये भी क्या है ट्रायंगल है, तो इनका भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल पी मान कर ले लिया, अब ओ मान कर भी लेते हैं, यहाँ पर
ये ओ ओ बी, ये देखो ये ट्रायंगल आप देख रही हैं ओ बी डी, ये ट्रायंगल। आइए इन ट्रायंगल ब्लैक से करा देता हूँ बच्चों मैं, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है ओ बी डी में, तो एंगल ओ प्लस एंगल बी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री का हो गया, ठीक है ये हमने ले लिया, ठीक है ओ मान का ले लिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है अब हमें ये एन मान कर लेना है, एन मान कर ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से देखो यहाँ पर, ये वाला ये गया और ये यहाँ पर, ठीक है एन ए सी, क्या नाम है इसका एन ए सी, ये ट्रायंगल देख रहे हैं एन एन ए सी, ये ट्रायंगल एन ए सी, प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको इन ट्रायंगल एन ए सी, ठीक है तो इसमें भी एंगल एन प्लस एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना 180 डिग्री। अब बच्चों हमने एम को लेकर कर लिया, एम को वर्टिक्स मान के किया, हमने एल को वर्टिक्स मान के किया, पी को भी किया हमने, ठीक है ना ओ को भी किया, एन को भी किया, यानी 1 2 3 4 5 5 हमारे हो गए 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, अब आपको इन सभी एंगल को ऐड कर देना है, क्या करना है ऐड कर देना है, ये इक्वेशन 1 2 ठीक है 3 और ये 4 और ये 5th, ठीक है ना यहाँ पर आइए ऐड करते हैं, एडिंग लिख देता हूँ मैं, एडिंग 1 2 3 4 and 5th, ठीक है ये। अब बच्चों इनको ऐड कर लेते हैं, एंगल यहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना एंगल एम, एंगल एम प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, ठीक है और प्लस एंगल एल, पहले एंगल प्लस कर लेते हैं इक्वल के साइड से उधर दोबारा करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी और फिर है एंगल पी, थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा एंगल ई, ठीक है यहाँ पर एंगल पी ए आई ई आ गया और एंगल सी इस तरीके से, और ये एंगल ओ, एंगल बी और एंगल डी, ठीक है डी आ गया, फिर यहाँ पर कर लेता हूँ एंगल एन प्लस एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, बच्चों इनको भी ऐड कर लेते हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और सॉरी 5 है 5, तो 180 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सम आ जाएगा, ठीक है ना। आइए अब देखो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो एंगल बी 2 times आ रहा है, आ रहा है ना, एंगल ए ये भी 2 times आ रहा है, ठीक है एंगल सी ये भी 2 times आ रहा है, एंगल डी ये भी 2 times आ रहा है, एंगल ई ये भी 2 times आ रहा है, ठीक है तो जो 2 times आ रहा है उनको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है यहाँ पर 2 ब्रैकेट में डालेंगे एंगल ए इस तरीके से प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, क्या क्या बचा एंगल एम बच गया, एंगल ठीक है एम एल यहाँ पर एल एन बी है ना एन बी, चलो एन लिख लेते हैं एल, फिर क्या बचा ओ बी बच गया और पी भी बच गया, ठीक है ना ये रहा पी ये रहा इधर पी, और इन सब का सम कितना आता है बच्चों क्या मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है 900 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर ये आपको मैं बताता हूँ, ये जो एम एन क्या सॉरी एल एम एन ये यहाँ पर ये एल लिख लेते हैं एल एम ये एम ठीक है एल एल ये एम एल ठीक है इस तरीके से तो एल एम एन ओ पी ठीक है यहाँ पर ये हमने रख लिया और ये मैं आपको फिगर में दिखाना चाहता हूँ ये देखो एल एम एन ओ पी ये सभी क्या है ये पेंटागन के इंटीरियर एंगल हैं क्या है ये पेंटागन के इंटीरियर एंगल और हम सभी जानते हैं पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट डाल के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई ठीक है ये क्या है इंटीरियर एंगल है पेंटागन के जो रेगुलर और इंटीरियर एंगल का सम हमने निकाल लिया था पहले कितना होता 540 डिग्री ठीक है इक्वल टू 900 इस तरीके से
540 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 900 डिग्री, और ये इधर आकर माइनस में हो गया। तो माइनस कर देते हैं बच्चों, कितना आ गया, ठीक है, 0 में से 0, यहाँ पे 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 360 डिग्री आ गया बच्चों। अब यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई, इनकी वैल्यू आपके सामने आ गई 360 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 180 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर बन गया बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। आप चाहे तो इसको एक वन टाइम्स और लिख लीजिए, और इस तरीके से आपको बच्चों इस क्वेश्चन की तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। ये आ गया। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये 2 कहाँ से आया। देखो भाई, सभी एंगल यहाँ पर जिस पर मैंने साइन लगाया था, एंगल ए भी 2 टाइम्स है, एंगल बी भी यहाँ पर 2 टाइम्स है, एंगल सी भी 2 टाइम्स है, डी भी और यहाँ पर ई भी, ठीक है, ये सब 2 टाइम्स थे। तो मैंने ब्रैकेट में इसको 2 बाहर लेके और ये 1 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ये सभी एंगल 2 टाइम्स हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने। ये भी थोड़ा सा इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है आर ई एस टी एंड ई पी एस टी आर 2 पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर पहले हम ये ले लेते हैं आर, यहाँ पर ये ई और ये एस, ठीक है, और ये टी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पहले इसको लेते चलते हैं, ठीक है, आइए इसको ब्लैक पेन से लेके करूँगा। तो यहाँ पर आर ई एस टी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो भाई, हमें यहाँ पर पी की यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक्स मान लो, कुछ भी मान लो इसको, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल टी ई एस बन गया। अगर हमें एस की वैल्यू मालूम हो जाए, अब यहाँ पर आर और एस आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की क्या कहती है प्रॉपर्टी, कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल आर इक्वल होगा, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं बच्चों, एस नाम ना देते हुए टी एस ई दे देते हैं, ठीक है ना, इसका नाम देते हैं एंगल टी एस ई, ठीक है। ये अपोजिट एंगल हो गए और ये इक्वल आ गया बच्चों 75 डिग्री के, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चों 75 डिग्री का आ गया है। अब हम बच्चों ये ले लेते हैं दूसरी ट्रायंगल ई पी एस टी, ई पी एस टी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया, देख रहे हैं ना, जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ, ये ई पी ये एस टी, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है। और इसमें ये पी एंगल इक्वल आ रहा है, इधर अपोजिट एंगल आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे इक्वल हो गए। आइए लिख लेते हैं, ठीक है, इन ई सॉरी पहले लिख लेते हैं ई पी एस टी इज ए पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है। तो इसमें एंगल पी इक्वल होगा, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ई टी एस, एंगल ई टी एस, ठीक है, ये भी क्या हो गई वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, या अपोजिट एंगल भी आप इनको बोल सकते हैं, तो 50 डिग्री, ठीक है, अपोजिट एंगल भी आप इसको बोल सकते हैं, अपोजिट ही बोलिए आप, ठीक है। वर्टिकली तो हम जब पूरे लाइन आपस में बाय सेक्ट करती हैं इस तरीके से, तब हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 50 डिग्री का आ गया, तो बच्चों ये 50 डिग्री का आ गया। अब हमें ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल टी ई एस, ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ये मैंने कराया था किसी से, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बच्चों आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस डी है बच्चों यहाँ पर, ये एंगल डी, ठीक है, ये क्या है डी, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल टी ई एस, टी ई
एस, ठीक है, इंटेंगल टी ई एस। तो एंगल यहाँ पर इसका नाम देंगे ई टी एस, ई टी एस प्लस एंगल इसका नाम देंगे ई एस टी दे दो या टी एस ई दे दो, ठीक है, ई एस टी। और यहाँ पर इसको आप डी रख लीजिए खाली। तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है भाई। ये ट्रायंगल हो गया ना, ट्रायंगल के सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। आइए ई एस टी तो आपके सामने आ चुका है 50 डिग्री, और ई ई टी एस सॉरी ई टी एस है 50 डिग्री, और ई एस टी कितने हैं यहाँ पर, या टी एस ई, ठीक है ना। तो ये एक ये 75 डिग्री का आ गया है, इस तरीके से लिखेंगे, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 180 डिग्री दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 5 का 5 7 और 5 होता है 12, ठीक है, 125 आ गया, और डी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये 125 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ठीक है, यहाँ पर रह गया 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, और 1 में से 1 गया 0, तो 55 आ गया बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप क्लास 8 में किस चैप्टर की चाहते हैं, उसी चैप्टर की वीडियो बनाकर आप सभी बच्चों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।